श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सप्तविंशो अध्याय पुरंजनीपुर पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। पिछले अध्याय में हमने राजा पुरंजन का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और रानी का कुपित होना इसके विषय में सुना। अब आगे श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का कुछ भी पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे छड़ के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुईं, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थीं। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह किया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100-100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा प्रिय होता है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनीपुर की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशुभूत रहने के कारण इस अवसंभावी भय का उसे पता ही न चला। वरिष्मन इन्हीं दिनों काल की एक अन्य कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही। फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या अर्थात जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर दिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज प्राप्ति का वर दे दिया। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर
जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी, स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुसह साप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव सोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। कालकन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर वलात भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गत से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सप्तविंशो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।